साल मार्च में ही राजस्थान में कोरोना का पहला मामला आया था, इस बार मार्च में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछली बार सड़कों पर सन्नाटा था, इस बार देख सकते हैं कि सड़कों पर गाड़ियों की रेलमटेल है, गाड़ियां आ जा रही हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर भीड़ नजर आ रही है। पिछली बार सन्नाटा पसरा हुआ था, राजस्थान पहला राज्य था जिसने लॉकडाउन की घोषणा की थी। इस बार कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लोगों में एक खौफ कोरोना का कम हो गया है। यही वजह है कि पिछली बार मार्च में शुरुआत होकर कोरोना 100 से ऊपर चला गया था, इस बार भी ऐसा लग रहा था कि कोरोना खत्म होने जा रहा है। 10-12 मामले जयपुर में आ रहे थे, वहां से 181 मामले आने शुरू हो गए हैं, 60-70 मामले राजस्थान में आ रहे थे, 600 से ऊपर मामले सामने आने लगे हैं। ये होली का बाजार सजा हुआ है, हालांकि लोग बहुत कम आ रहे हैं, देख सकते हैं पिचकारी यहां पर सजी हुई है, अबीर बिक रहे हैं, गुलाल, लेकिन लोग बहुत कम आ रहे हैं। लोगों से बातचीत करते हैं, क्या होली में कम आ रहे हैं क्या लोग? हाँ, बहुत लोग कम आ रहे हैं कोरोना की वजह से। हाँ, हालांकि दूसरी जो दुकानें हैं वहां पर किराना की, वहां पर देखा जा सकता है कि भीड़ भाड़ है, लोग मास्क लगा कर आए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद होली एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए भी। पिछली बार दिवाली के बाद लगातार कोरोना विस्फोट हुआ था और सरकार को संभालने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। इस बार होली में ऐसा ना हो इसके लिए सरकारी जो कार्यक्रम होली के हैं वो तो कैंसिल कर ही दिया गया है। इसके अलावा बाकी होटल्स भी हैं, वहाँ भी होली के कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, लेकिन लोग अपने अपने घरों में अपने मोहल्ले में होली मनाएंगे, जिसे लेकर सरकार में एक डर बना हुआ है। हालांकि बाजार में भीड़ भाड़ नहीं देखी जा रही है, कोरोना का असर होली के त्यौहार पर भी देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी जिस तरह से कोरोना के मामले राजस्थान में बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से डराने वाले आंकड़े हैं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।